नमस्कार, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। सिद्धार्थ शुक्ला केवल 40 साल के थे। हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं बचाया जा सका। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर सामने आने के बाद टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बीते दो दिनों से टीवी स्टार से लेकर बॉलीवुड स्टार्स लगातार सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बीते दिन ही सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार किया गया। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में बहुत से टीवी स्टार्स शामिल हुए। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार की तस्वीरें और वीडियोस वायरल हो रही हैं। लोग सिद्धार्थ की मौत का दुख मना रहे हैं। इसी बीच सिद्धार्थ के फैंस ने रश्मि देसाई को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उनकी मौत के लिए रश्मि को दोषी ठहरा रहे हैं। बिग बॉस 13 के दौरान सिद्धार्थ और रश्मि देसाई के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली थी। इस दौरान रश्मि ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर एक बयान दिया था और कहा था, अगर सिद्धार्थ शुक्ला मर भी रहा होगा तो भी मैं इसे पानी नहीं दूंगी। रश्मि देसाई का ये वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का गुस्सा भड़क गया। सिद्धार्थ के फैंस ने रश्मि देसाई पर कमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले ही रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए एक फैन ने लिखा, तुम नहीं डालो कोई पिक, तुम ही हो वो जो बोल रही थी कि मर भी जाए तो पानी नहीं दूंगी। एक और यूजर ने लिखा, यू आर द वन हु सेड दैट पानी भी नहीं मिलेगा जब मरेगा। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, तू तो खुश होगी फ्रॉम इनसाइट। एक और यूजर ने लिखा, मरते वक्त पानी तक ना पूछूं। एक और यूजर ने लिखा, तुम्हारे ही शब्द थे कि मर रहा होगा तो पानी नहीं दूंगी इसको मैं। और आज ये पोस्ट, सर को तो खो दिया हमने पर याद सब रहेगा हमेशा, और सर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा है। सिद्धार्थ सर, मिस यू सर। तो देखा आपने, बिग बॉस में कही रश्मि की ये बातें अब भी लोगों को चुभ रही हैं और अब सिद्धार्थ के फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। बता दें, सिद्धार्थ के जाने से रश्मि को बड़ा झटका लगा है। रश्मि भी सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन करने एक्टर के घर गई थी। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की वीडियो काफी वायरल हुई थी। वैसे आपको क्या लगता है, सिद्धार्थ के फैंस का रश्मि को ट्रोल करना कहां तक जायज है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।